युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 8 जनवरी 2020 दिन बुधवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज त्रयोदशी तिथि मध्यरात्रि 3:43 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:28 से लेकर 1:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सर में दर्द या अन्य किसी समस्या के कारण आज उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ सकती है, इसलिए आप उनका ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। यदि आपने पुलिस में नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, और यदि आज आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपका दिन शुभ है और आपको ये नौकरी अवश्य मिल सकती है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने से पब्लिक के सामने उनकी इमेज बेहतर होगी, जिससे आने वाले चुनावों में उनको फायदा होगा। यदि आज आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर गौदान करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आपके पार्टनर का स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मकर राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके आप हनुमान जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं और आज अपने सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो रोग कितना ही पुराना हो, कितना ही आपको परेशान कर रहा हो, दवाएं उस पर असर ना कर रही हो, परंतु आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आप उस रोग से अवश्य ही मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको प्रातः काल उठकर पवित्र होकर हनुमान जी के मंदिर जाना है। उसके पश्चात आपको हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना है। यदि श्रद्धा पूर्वक आप ये उपाय करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके सभी रोगों को हर लें, तो निश्चित तौर पर आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा 0 होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं YouTube देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में ये गुरु माँ ने जो अंगूर दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं, तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।